प्राइवेट स्कूल्स को लेकर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद आजम मट्टू ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जबरिए रिक्वेस्ट की कि जितने भी डेली वेजर्स, सिंगल पेरेंट्स या फिर वो लोग जो इकोनॉमिकली वनरेबल हैं उनकी फीस को एक पार्शल वेवर दे दिया जाए। तो जो रिस्पॉन्स था वो ऐसा नहीं था। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब वो अपनी श्रीनगर की म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर अंदर उन लॉज को भी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे जिन्हें अभी तक ढीला हाथ बढ़ता जा रहा था। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर जी एन वर, जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानेंगे कि इनका क्या व्यू पॉइंट है, इनकी क्या राय है इस ट्वीट के बारे में। तो मिस्टर वर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे बताएंगे कि ये जो ट्वीट उन्होंने किया था, जब आपके साथ ये रिक्वेस्ट की गई कि आप ये पार्शल फी वेवर करें, तो आपका क्या रिस्पांस था और ये प्रपोजल था क्या आखिर? देखिए पल्लवी जी, इस वक्त जो सिचुएशन सबों के सामने बनी हुई है, इस वक्त डेथ बेल्स आर रिंगिंग। वी डोंट नो कि एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद क्या सिचुएशन होगी। जो हमारे पास पूरी दुनिया का खाका है, हमारा इस वक्त प्रायोरिटी क्या है, क्या प्रायोरिटी हमारा ये इस वक्त है कि हम डिसाइड करें कि फीस पेरेंट्स दें, अगर दें तो कितना दें, कि इस वक्त जिंदगियां बचाने का मामला है। सवाल ये है, दिस इज अ टैक्टिक्स, किसी तरह से बुनियादी इश्यूज से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए, जिसमें यहाँ के ये लोग बड़े माहिर हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये मेयर ने जो बयान दिया है, पहली बात यह है कि मेयर श्रीनगर म्युनिसिपलिटी के हुदूद तक जो है महदूद है। स्कूल तो पूरे जम्मू कश्मीर में है, ये सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं है कि श्रीनगर के लिए एक कानून हो और दूसरे जगहों के लिए दूसरा कानून हो। ही लैक्स ज्यूरिसडिक्शन, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं, कोई इसका हक नहीं बनता, और इसके लिए बाकायदा जो है लेबर कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर है, गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, फी फिक्सेशन कमेटी है, फिर उनका रोल क्या है? सवाल यह है कि इसको अपने रोल तक महदूद होना चाहिए। इस वक्त श्रीनगर में हाल ये है कि यह ढुंडूरा पीटा जा रहा था कि क्लीनेस्ट सिटी है। पहले उस मेयर साहब के अपने घर की हालत ही देख लीजिए, उसके सामने घर का क्या हाल है। पूरी जगह पे, पूरे कश्मीर में गंद गलाजत का ये हाल है कि हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं है, सफाई सफाई का नाम ही नहीं है। इसका काम था फोकस किया जाए इस वक्त हेल्थ इश्यूज पे, सैनिटरी इश्यूज पे, जो पब्लिक के सामने इश्यूज हैं। मुझे बताइए, अगर खुदा रहा इस वक्त लोकल कमिटीज, वेलफेयर कमिटीज, मोहल्ला कमिटीज, अगर वो लोग सामने नहीं आते इस वक्त, हालत यह है कि गरीब लोग तो भूखे पैसे मर जाते इस वक्त ऑन ग्राउंड स्कूल ने। क्या ये भी सच नहीं है कि इस लॉकडाउन होने के बावजूद और कोरोना वायरस की परेशानी के बावजूद भी कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स थे जो पेरेंट्स को हरास कर रहे थे फीस इमीडिएटली भरने के लिए, जिसके चलते डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने ये ऑर्डर भी निकाला कि अप्रैल 30 तक कम से कम पेरेंट्स को हरास ना किया जाए फीस भरने के लिए? क्या इसमें कोई सच्चाई नहीं है? यस, एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जम्मू के कुछ स्कूल्स ने नोटिस भेजे थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ने उसका नोटिस लिया, उसने बाकायदा ऑर्डर इशू किया। उस ऑर्डर के सिक्वेंस में कॉन्सिक्वेंसली उसके कॉन्सिक्वेंट हमने बाकायदा स्टेटमेंट इशू किया कि इस वक्त लॉकडाउन है, स्कूल वालों को इस वक्त वॉलंटरी काम करना चाहिए, रिलीफ का काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, फीस का कोई इशू नहीं होना चाहिए। वी मेड इट क्लियर, और हम इस वक्त भी हर स्कूल वाले को क्लियर कर रहे हैं कि इस वक्त मौत जिंदगी का सवाल है, इस वक्त फीस लेने देने वाला मामला नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है, उस वक्त जो ही ये मामला आया तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की इंटरव्यू से वो मसला वहीं खत्म हुआ जब वो ऑर्डर सामने आ गया। उसके बाद सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो मेयर साहब ने ये जो चिट्ठी लिखी, उसके बाद मुझे बताइए, गवर्नमेंट में एक सिस्टम होना चाहिए ना, नोटा नोटी होती है, डिस्कशन होते हैं, डेलिब्रेशन होते हैं, स्टेक होल्डर से बात होती है। ये क्या है कि ये फॉर्म जो है सोशल मीडिया पे चिट्ठियां जो है शूट करते हैं, ये क्या उनको ये एहसास नहीं है कि ये 14 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है? कोई भी रिकमेंडेशन करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि पूरा, क्योंकि इस वक्त देखिए आप जो है हमारे पड़ोसी स्टेट है हरियाणा में, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 60% वो
जो है स्कूलों को सपोर्ट करेंगे वेज बिल्स वगैरह देने के लिए, 60% फाइनेंशियल सपोर्ट हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है हर जगह। और इसके अलावा हमने ऑलरेडी गवर्नर को लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि आप हमें कम से कम वेज कंपोनेंट के लिए, सैलरी के लिए, क्योंकि हमारे स्कूलों में जो टीचर हैं बहुत कम वेज पे काम करते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, उसके लिए 60% आप हमें फाइनेंशियल हेल्प कर दीजिए और 40% हमें बैंक से इंटरेस्ट फ्री लोन दे दीजिए, हमारे अकाउंट बैंक में है, उसके बाद पैसा आता जाएगा, किस्त कटती रहेगी, पेरेंट इस वक्त नहीं दे पाएंगे, वी डू अंडरस्टैंड इट, लेकिन उसके साथ ही स्टाफ है वगैरह उसके लिए हमने ये बात कही थी। इसमें पेरेंट का कोई जिक्र नहीं है, इसमें सवाल यह कि गवर्नमेंट हैज टू फुलफिल इट्स ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। सवाल यह है कि आप भी जानते हैं पल्लवी जी, अक्सर ये कहते हैं कि 500 करोड़ लैप्स हो गए, 10,000 करोड़ लैप्स हो गए, आप मुझे बताएं आज ये पैसा लैप्स मत होने दे दीजिए, अगर पैसा आ रहा है तो लोगों पे खर्च कर दीजिए, लोगों का हक बनता है, एक बात। और उसके साथ ही एक अजीब अफसोस की बात ये है कि क्या अब ये जो है ये इंस्टीट्यूशंस इतने खत्म हुए हैं, इतने कमजोर होते हैं कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी अब किसी भी डिपार्टमेंट में मुदाखलत करता है। अगर इस तरह से मुदाखलत होती रहेगी तो पूरा एक कियास और कंफ्यूजन होगा, सारे इंस्टीट्यूशंस में क्लैश होगा और फिर पता नहीं चलेगा कि किसका क्या जुरिस्डिक्शन है। दैट्स व्हाई इन दैट उसी व्यू पॉइंट को सामने रखते हुए हमने बिल्कुल गवर्नमेंट पे वाजिया कर दिया कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन इस वक्त काम रिलीफ का है, इस वक्त काम है लोगों का मदद करना, इस वक्त ये इशू नहीं है। इस मामले में कोई बात की कि इनकी अननेसेसरी इंटरफेरेंस इस मामले में हो रही है? देखिए हमने बाकायदा चूंकि LG को ऑलरेडी लिखा है और हमने चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को भी लिखा है, इसमें चूंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ने ऑलरेडी एक डिटेल से एक ऑर्डर भेजा है उस पर हम अमल कर रहे हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन जहां तक मेयर के इस बयान का ताल्लुक है और जो थ्रेटनिंग लैंग्वेज इसने यूज की कि मैं देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इसको मालूम होना चाहिए कि ये एक एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, ये म्यूनिसिपलिटी के सफाई सुथराई करने वालों की बात नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू और ये सिर्फ कश्मीर का ये मामला नहीं है, ये पूरे नेशनल और बल्कि इंटरनेशनल मामला इस वक्त एजुकेशन का है हर जगह। आप देखिए अगर इनको इतनी फिक्र है, मुझे बताइए चाइना का मॉडल हमारे सामने है, स्कूल्स बंद हो गई, लेकिन स्कूलिंग बंद नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहे, यहाँ पे अभी तक हमें 4G कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और इधर से ये इश्यूज से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं कि फीस के मामले पे बात होनी चाहिए। लेकिन वर्षा, क्या आप पार्शियल फी वेवर के फेवर में हैं? क्योंकि इस समय जब हम देखें कि क्लासेस तो पॉसिबल हो ही नहीं पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टूडेंट्स अवेल नहीं कर पा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई तो सफर कर ही रही है, पढ़ाई सफर होने के बावजूद भी क्या उन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को फीस भरनी पड़ेगी? देखिए पल्लवी जी, आपके मीडियम के थ्रू मैं एक अहम बात जो सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि पहली बात है कि जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको एजुकेशन अलाउंस मिलता है, क्या वो फीस पे नहीं करेंगे? सरकारी मुलाजिम को जिनको बाकायदा तनख्वाह मिलती है, बल्कि आज उनके खर्चे भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा नहीं है, कहीं उनको जाना भी नहीं, घरों में बैठे हैं, उनको एजुकेशन अलाउंस मिलता है बच्चों की तालीम के लिए, दे विल हैव टू पे, ठीक। उसके बाद समाज का गरीब तरीन तबका जो है उसमें हम सरकार से बात कर रहे हैं, उसमें हम ये चाहेंगे कि उसमें एक स्टैटिस्टिक्स डेटा और लॉजिक बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए। मसलन एक जो है स्कूल, यहाँ पे मैक्सिमम स्कूल इकोनॉमी स्कूल है, 90% स्कूल, उनकी फीस 150 से लेके 1200 1800 रुपए है, ठीक। उनके स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और वो वही रेडे वाले या डेली वेजर्स या दिन भर की मजदूरी करने वाले बच्चे हैं, ठीक है। बड़े स्कूलों में सरकारी अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, उनकी फीस आएगी, लेकिन ये जो गरीब तबका है इनके लिए गवर्नमेंट की असिस्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ना पेरेंट दे पाएंगे और ना स्कूल मैनेज कर पाएगा, क्योंकि उनकी फीस ऑलरेडी कम है। लिहाजा हम चाहते हैं कि ये जो है एक ही यार्ड स्टिक से आप एक ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं, आप ना सबों के लिए एक ही पैमाना नहीं बना सकते हैं, इसमें जो छोटे स्कूल है उनकी असिस्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया वार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना इनका साफ तौर पर कहना था कि जुनेद आजम मट्टू ने जिस तरह से ट्वीट किया है, ट्वीट में ये कहा है कि जो लॉज अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे वो भी अब हम इन्फोर्स करेंगे और एक म्यूनसिपल लिमिट के अंदर अंदर हम जिस भी तरह के लॉ चाहते हैं हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं अपनी लीगल टीम के साथ बैठूंगा, मैं ऑफिसर्स के साथ बात करूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि जो पेरेंट्स हैं इन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले वो सफ़र ना करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने ये भी कहा कि एक पॉलिसी जो है वो फ्रेम सरकार करेगी लेकिन उनकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती है कि वो इस मामले में इंटरफेयर करें। अब जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनकी भी कुछ अपनी डिमांड्स है, जो पेरेंट्स जिनके बच्चे इन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इन प्राइवेट स्कूल्स में आखिर क्या होता है, कितना प्रेशराइज उन पेरेंट्स को किया जाता है फीस भरने के लिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पेरेंट्स स्कूल एसोसिएशन के अमित कपूर जी, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी। अमित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि एक ऑर्डर आया था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का कि अप्रैल 30 तक फीस जो है प्राइवेट स्कूल्स नहीं मांगेंगे पेरेंट्स से, क्या उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड हो रही है? मैडम कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मैं आपको बोलूँ ये ऑर्डर भी एक आई वॉश है, क्योंकि आप देखिए इनसे पहले इन्होंने ऑर्डर निकाला था, एक ऐप बनाई थी उसमें सारे रिकॉर्ड्स मांगे गए थे प्राइवेट स्कूल वालों के, ठीक है मैम। उसके बाद अब इन्होंने निकाला लास्ट टाइम कि रिकमेंडेशन दो, पेरेंट्स भी दो, पेरेंट एसोसिएशन भी दे तो प्राइवेट स्कूल वाले भी दे, ठीक। जो रिकमेंडेशन भी होगी उस ऐप का भी कुछ नहीं हुआ, अब इन्होंने नया ऑर्डर निकाल दिया कि 30 अप्रैल तक, जबकि लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश इससे इस टाइम सुलझ रहा है भूखमरी से। आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कितना मतलब कि इनिशिएटिव ले रही है कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे, ले वहीं पे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो आज भी आपस में हाथ मिलाकर अटैचियों का रिश्ते बनाकर वो रिश्ता कायम रख रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स के लिए ऑर्डर नहीं निकल रहा कि कोई ऐसा पेरेंट्स के हक में ऑर्डर निकले कि तीन ये जितने दिन लॉकडाउन रहता है उस टाइम तक फीस माफ की जाए, या फिर कोई कंप्लेन पेरेंट्स जो करना चाहता है उसकी कंप्लेन पे कोई एक्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एक शुभम इंटरनेशनल स्कूल है खनूर में, वो डायरेक्ट मैडम प्रिंसिपल मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में कि आप फीस जल्दी से जल्दी डालिए, बुक्स मेरे स्कूल से आके लीजिए। मुझे कई पेरेंट्स की कंप्लेन आई। वहीं पे कुछ स्कूल ऐसे हैं जो जिनकी फीसें ऑलरेडी पहले की कोई रुकी थी वो साफ साफ बोल रहे हैं हम आपको ग्रुप में ही नहीं रखेंगे, ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे ही नहीं क्योंकि आपकी फीस नहीं आई। तो आप मुझे बताइए कहाँ लूट बंद हुई। तो आप मुझे बताएं कि ये जितने भी आपने इंसिडेंट मुझे सुनाए, क्या आपने इनके स्क्रीनशॉट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भेजने की कोशिश की? क्योंकि उन्होंने अपने ऑर्डर में तो क्लियरली मेंशन किया था कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई भी चार्ज नहीं करेगा। मैडम आज न्यूज़पेपर में भी लगवा दी है मैंने न्यूज कि न्यूज़पेपर लगी है कि अखनूर में ये कोई एक्शन नहीं है। मैडम ग्राउंड लेवल पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कागजों पत्रों में ये लोग। आप मुझे बताइए ये ऑनलाइन सर्विस की बात करते हैं, ऑनलाइन स्टडी की बात करते हैं, जबकि आप बताइए 2G में कैसे बच्चे स्टडी करेंगे? एक दूसरा आप मुझे बताइए जिनके पास मोबाइल ही नहीं है वो बच्चे कैसे स्टडी करेंगे? तीसरा इन्होंने बता दिया कि एक टेक चैनल पे आएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जिन्होंने 50 रुपए वाला केबल लगाया हुआ है वो कैसे स्टडी करेंगे? जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं जिन पे केबल तक नहीं है वो लोग कैसे स्टडी करेंगे? ये सिर्फ एक फीस को लूटने का बहुत ही बढ़िया जरिया है। अगर मैडम चाहते इम्प्लीमेंटेशन या फिर कोई ऐसा ऑर्डर निकालते पेरेंट्स के हक में कि ऑनलाइन स्टडी होगी लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से होगी, जो कि ऑलरेडी कानून है, ऑलरेडी रूल है, लेकिन ऐसा ऑर्डर कोई भी नहीं निकलेगा क्योंकि वो पेरेंट्स के हक में होगा। ये स्कूल्स के हक में, प्राइवेट स्कूल्स के हक में ऑर्डर निकालते जाएंगे क्योंकि प्राइवेट स्कूल जब भी एनुअल फंक्शन करता है ये लोग वहां पे रिबन काटते हैं, इसी वजह से अटैचियों के रिश्ते बनते हैं इनके। तो इसी वजह से आज पेरेंट्स झुलस रहा है, माँ बाप इस COVID-19 के चलते माँ बाप ऑलरेडी इतना मतलब कि भूखमरी से इतना नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं। अगर इन्होंने ऑनलाइन स्टडी करवानी है हमारी एक ही डिमांड है कि CSR के हिसाब से करवाए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उस पोस्ट पे ही ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं तो पेरेंट्स को कोई एतराज नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, आप पेरेंट्स को पूछिए कि कितना कितना सिलेबस भेज रहे हैं ये व्हाट्सएप पे। तो ये सिर्फ एक लूट मचाई जा रही है, अपनी पब्लिश की हुई बुक्स की वही ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है, ये भी से चल रहा है COVID-19 के चलते। आप मुझे बताएं कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने एक ट्वीट किया जिसमें ये कहा कि जो डेली वेजर्स हैं या जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं या जो सिंगल पेरेंट्स हैं
उनकी फीस प्राइवेट स्कूल्स को माफ कर देनी चाहिए, और उन्होंने इस तरह से कहा कि मैं तो इंश्योर करूंगा कि कोई भी पेरेंट जो है वो सफर नहीं करे। इस ट्वीट को आप किस तरह से देखते हैं? मैडम एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे हमारी जो एसोसिएशन है उन्होंने वहाँ पे मेयर साहब को दिया था, एक रिकमेंडेशन दी थी, उसको लेकर मेयर साहब ने एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा कोई कानून नहीं है कि खुद को ऑर्डर निकाल दिया जाए, जबकि ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट में है, एक भी स्कूल लॉस में नहीं है। और साथ में सबसे बड़ी बात कि मोदी साहब ने भी ये बात कही कि कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट मुलाजिम हो या कोई भी हो, टीचर प्राइवेट टीचर हो, प्राइवेट मुलाजिम हो, कोई भी हो, उनकी सैलरी ना काटी जाए। और मैं इस चीज को भी रखता हूँ कि प्राइवेट टीचरों की जो सैलरी है वो भी नहीं कटनी चाहिए। क्यों नहीं कटनी चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी जो टीचर दो दो पांच पांच सालों से इनके पास काम कर रही है वो ऑलरेडी ये स्कूल को काफी पैसा कमा के दे चुकी है, ऑलरेडी प्रॉफिट में स्कूल चल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग ट्रांसपोर्ट फीस, चलो ये एनुअल फीस, मंथली फीस और तीन तीन महीने की एडवांस फीस ली जा रही है। ऑलरेडी इस टाइम भूखमरी पड़ी हुई है, ऑलरेडी इस टाइम आम आदमी खाने को तरस रहा है, माँ बाप के पास कोई साधन नहीं है, माँ बाप मैक्सिमम जो माँ बाप है वो दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं, तो ये इस टाइम कोई जरिया नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है, कुदरत का एक कहर हमारे ऊपर बरसा हुआ है, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं प्राइवेट स्कूल वालों को। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने दोनों साइड्स की बात सुनी, जहाँ पर अब जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना है कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती, डायरेक्टर एजुकेशन है वो फैसला लेंगे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन है वो फैसला लेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला लेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से। प्राइवेट स्कूल्स में जो काम कर रहे कर्मचारी हैं, चाहे वो आप बात करें एक पीएन की, आप बात करें उस ड्राइवर की जो वैन चलाता है, जो बस चलाता है, या आप बात करें उन टीचर्स की जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबके वेजेस का अगर बात है, उनकी सैलरीज का अगर बात है, तो वेज कंपोनेंट सरकार को कंपनसेट करना चाहिए। क्योंकि इस समय में अगर आप ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनसे फीस ना ली जाए तो उन लोगों की सैलरी कैसे आएगी। ऐसे में ही मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ट्वीट करके ये भी कहा कि 20-30% पोर्शन ही है जो कि इनकी सैलरी का पोर्शन बनता है, उसे छेड़ने के लिए हम भी नहीं कह रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स इकोनॉमिकली वीक हैं, जो इस लॉकडाउन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, उनकी पेमेंट कम से कम जो है डेफर होनी चाहिए। जो प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जी एंधर, उन्होंने भी बहुत ही क्लियरली कहा कि अगर हमें प्रॉपर ऑर्डर्स मिलते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे, हम उसका पालन करेंगे, लेकिन जिनकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती वो इंटर डिपार्टमेंटल क्लैश किस तरह से कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमने बात की पेरेंट्स एसोसिएशन से, तो उनका ये कहना था कि अभी भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑर्डर के बावजूद भी पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है, अप्रैल 30 से पहले ही फीस देने के लिए, और साथ ही में जो ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, होम असाइनमेंट्स दी जा रही है, जिनके बारे में उस ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि उसके पैसे आप नहीं मांग सकते, उन्हें भी डिसकंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है कि हाँ अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो ये सारी होम असाइनमेंट्स और जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स हो रही हैं उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए जिसकी फीस नहीं आती है। तो इसका भी नोटिस डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ बात बस इतनी कि अभी भी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कोई रिलीफ नहीं आया है, उन्हें अभी भी यही टेंशन है कि क्या उन्हें फीस इमीडिएटली भरनी है या नहीं भरनी है। कई लोग जो है वो कमेंट्स में कहते हैं कि टीचर्स का क्या, जो टीचर्स पढ़ा रही हैं उनका क्या, साथ ही में जो बस ड्राइवर्स हैं या जो बाकी वर्कर्स उस प्राइवेट स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं उनका क्या। तो क्लियरली उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सैलरीज 20-30% पोर्शन है, और जैसा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने खुद ही कहा कि जो प्राइवेट स्कूल्स ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में भी सर्वाइव करना और उनकी वेजेस देना, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स छोटे हैं जहाँ पर गरीब बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, गरीब फैमिली से आने वाला बच्चा पढ़ रहा है, वो खुद भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर उनका वेज कंपोनेंट जो है वो कंपनसेट सरकार नहीं करती है। जिस तरह के फैसले हरियाणा में लिए गए, जिस तरह के फैसले लेने के बारे में दिल्ली की सरकार सोच रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी उसी तरह का फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन बात बस इतनी कि अगर फैसला लिया भी जाता है
क्या वो फायदा उन पेरेंट्स को मिलेगा जिन पेरेंट्स के बच्चे इन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स इस वक्त लॉकडाउन के कारण सफर कर रहे हैं। अभी तक जो देखने को मिला, एक अखनूर का भी इंसिडेंट इन्होंने साइट किया कि वहां पर अभी भी फीस मांगी जा रही है। तो अगर एक ऑर्डर निकल भी जाता है और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और कोई चेक नहीं होता कि क्या ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और उस स्कूल के खिलाफ, जो स्कूल इस ऑर्डर की वायलेशन कर रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, फिर तो ऑर्डर आने का भी कोई फायदा नहीं है। अब देखना यह है कि इस लॉकडाउन के चलते क्या फैसला लिया जाता है इन प्राइवेट स्कूल्स को लेकर, और क्या पेरेंट्स जो इस वक्त परेशान हैं उन्हें कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत। पल्लवी सरीन साइनिंग ऑफ।